गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेसन को देख रहे हो। आज और एक रॉ लेसन मैं बना रहा हूँ। मैं अपने स्केचबुक को लेकर बैठा था और मुझे अचानक याद आया कि पिछले लेसन में आपने बहुत ज़्यादा, आपको पहला लेसन पसंद आया था और आपने अपना काम भी शेयर किया। मैंने सबके काम देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं देखा उस वीडियो को तो देखना बाद में, लेकिन इस लेसन को पहले ध्यान से देखो। इस लेसन को मैंने रियल टाइम रखा है। आज मैं एक फीमेल फिगर बनाने वाला हूँ। कंप्लीटली फास्ट स्केचिंग नहीं होगी, एक मॉडरेट टाइम में हम स्केच करेंगे, तो ये भी एक नया टाइप का एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। और मैं चाहता था कि आपके साथ ये लेसन शेयर करूं, और बहुत सारी इंसाइट्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा लेसन के दौरान। उससे मैं चेक करूंगा कि आप लोग मेरे लेसन्स कितने ध्यान से देखते हो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना सीख रहे हो। ओके, ये नहीं कि सिर्फ देखा चले गए, वो तो सब कर रहे हैं, तो फिर मजा क्या, मतलब क्या सीखने का। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हो जो एक्चुअल में काम कर रहे हो, एक्चुअल में इन रियल टाइम लेसन्स को इस अपने इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में उतार रहे हो और उसमें काम कर रहे हो बिना किसी कंफर्ट जोन में जाए। ओके, अपनी आलस को हटा के अगर आप ये लेसन को देख के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो और आर्ट में आपका प्यार नजर आएगा। ये वाला हैशटैग है, ओके, फीमेल फिगर विद रियांश राहुल। स्पेलिंग एक बार ध्यान से देख लो। अपना आर्टवर्क जब आप इस लेसन को देखते रहोगे, अपनी ड्राइंग करोगे, रेफरेंस इमेज में साइड में लगा दूंगा, आपको साथ साथ देख के करना है। टाइम लिमिट जितना मैं लूंगा उसे टाइम लिमिट के अंदर करने का कोशिश करना। इस हैशटैग का इस्तेमाल करके अपने इंस्टाग्राम में वर्क डालना, सो दैट मैं देख पाऊंगा, और इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरीज में भी शेयर कर सकते हो मुझे टैग करके, सो दैट मैं भी देखूं कि आप लोगों में से कितने लोग रियल में मेरे लेसन को देख रहे हो और एक्चुअल में उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। ये देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जो भी मैं कुछ सवाल पूछूंगा लेसन के दौरान, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितनी ध्यान से मेरे लेसन को देखते हो और कितना कुछ सीखते हो और कितना आपको वो एक्चुअल आपकी लाइफ में मदद कर रहा है और आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे पता चलता है। और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं, मैं बीच में लेसन में कभी भी, लेसन के बीच में कभी भी शेयर कर सकता हूं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब ये लेसन। सबसे पहले चीज कि अपने इस लेसन को फुल स्क्रीन मोड में देखो, अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, जिसमें भी आप देख रहे हो। फुल स्क्रीन मोड में इसलिए ताकि आप कंप्लीटली क्लियरली देख सको कि मैं किस तरीके से स्ट्रोक ले रहा हूँ और किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपको रेफरेंस इमेज भी थोड़ी बड़ी दिखे ताकि आप भी मेरे साथ साथ अभी ड्रॉ करें। ओके, तो वीडियो को शुरू से स्टार्ट करना और मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, ताकि आप एक चैलेंज की तरह इसको ले सको और आपको भी क्लियरली समझ में आए कि कम टाइम जब होता है हमारे पास, तो उस समय कैसे हमें जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है और कम टाइम के अंदर हमें प्रोपोर्शंस वगैरह जज करने पड़ते हैं, खासकर जब हम एक ह्यूमन फिगर बना रहे होते हैं। यहाँ पे मॉडल का फेस मैंने छुपा दिया है, कॉपीराइट क्लेम भी हो सकता है उसके वजह से, तो ये भी एक कारण था। और एक ये कारण है कि फिगर ड्राइंग में हमारा मेन फोकस चेहरा नहीं होता है। कई लोग क्या गलती करते हैं कि फिगर ड्राइंग की स्टडी करते हैं लेकिन उनका ध्यान बार बार चेहरे की तरफ जा रहा होता है। तो मेन चीज़ ये समझो कि चेहरा का आँख, नाक, मुँह की आप प्लेसमेंट दे सकते हो, बट चेहरा मेन नहीं होता। आपका मेन, हमारा जो फोकस होता है फिगर ड्राइंग में, वो है बॉडी का प्रपोर्शन। नो डाउट पूरा बॉडी बनने के बाद आप आइज, नोज, लिप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, बट उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आँख, नाक, मुंह अगर मैं यहाँ पे ऐड करने बैठूँ तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, और वो टाइम हमें स्पेंड नहीं करना है। हमारा मेन टाइम हमें स्पेंड करना है बॉडी की स्टडी में। यहाँ पे मैं जेस्चर देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, हाथ की लंबाई, हाथ का जो एल्बो पार्ट है वो कितना दूर है चेहरे के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें करते वक्त हमारा मेन टाइम और हमारा फोकस ऑलरेडी लग ही रहा है। तो अगर इसको करने से पहले मैं अगर आँख, नाक, चेहरा ये सब बनाने लग जाऊँ तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा। तो लिमिटेड टाइम हमारा है, और लिमिटेड टाइम में हमारा गोल, जो मेन गोल है, वो ये कि बॉडी का प्रोपोर्शन सही आए, जो एंगल्स हैं, जो रिदम है बॉडी की, वो सही है। तो इसलिए मैं मेन चीज़ के ऊपर पहले फोकस कर रहा हूँ, एंगल्स को देख रहा हूँ, और बहुत ही लाइट तरीके से बस मैं क्लीन वे में लाइंस बना रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये, अभी आप मेरे साथ साथ लेसन बना रहे हो तो अपने लाइंस को ट्राई करना कि वो बहुत क्लीन रहे। कई लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लाइंस खींचते हैं, बार बार लाइंस खींचते जाते हैं एक ही जगह पे, तो उससे क्या होता है ना, उससे क्लियरली समझ में नहीं आता कि सही वाली लाइन कौन सी है। ओके, एक ऐसा फील जरूर हो जाता है कि हमने सही बनाया, लेकिन सही लाइन कौन सी समझ में नहीं आता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइंस को आप एकदम क्लीन रखें, और अगर गलती हो रही तो उसको मिटा लें। ओके, मिटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी लाइंस को क्लीन रखना ज़रूरी है जब आप सीख रहे हो शुरू में। नो डाउट बाद में जब आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो मल्टीपल लाइंस खींचना एक स्टाइल भी बन जाता है, बट शुरू में लाइंस को क्लीन रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से मैं पेंसिल को चला रहा हूँ, और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है।
लॉन्ग टिप आप देख रहे हो मैंने पेंसिल की रखी हुई है, पेंसिल की जो टिप है वो लंबी रखी हुई है, ये मैंने क्यों रखी है ये इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखता हूँ कि आप कितना स्टडी कर रहे हो और आप मेरे पुराने लेसन्स को कितना देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी इसको पहले लेसन्स में बताया भी है। तो पेंसिल की टिप को लंबी रखने के पीछे कारण क्या है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। ओके, जो सबसे ज़्यादा बेटर जवाब देगा मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूंगा कॉमेंट सेक्शन में, एंड जो बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं पिन भी करूंगा, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स के वजह से काफ़ी लोगों को नॉलेज भी मिल जाती है। ओके, सो आराम से देख रहे हो कि मैं क्लीनली लाइंस को देख रहा हूँ, हाथों की लंबाई कितनी है और एक दूसरे से कंपेयर करते हुए ये हाथ कहाँ तक आ रहे हैं, बॉडी के किस पार्ट तक हाथ की लंबाई आ रही है, कितनी चौड़ाई है एज़ कम्पेयर टू चेहरा, एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट बॉडी, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। पिछले लेसन्स में, पिछले वीडियो में मैंने आपको फास्ट स्केचिंग करके दिखाया था, इंस्टा स्केचिंग वाले वीडियो में, तो वहाँ पे क्या था, हम फास्ट स्केचिंग कर रहे थे, लेकिन इस लेसन में हम बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहे हैं, अराउंड 10-15 मिनट्स मैं लूँगा इस पूरे फिगर को बनाने में, जो मेन स्ट्रक्चर फाउंडेशनल पार्ट है उसको बनाने में। ओके, बिल्कुल भी डिटेलिंग वगैरह फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। शुरू में अगर आप डिटेलिंग्स में ध्यान दोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आपका मेन स्ट्रक्चर सही जगह पे नहीं आएगा। तो एक बार आपका मेन स्ट्रक्चर सही जगह पे आ जाए, आपकी सारे ड्राइंग, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, आपको वैल्यूज़ की समझ आ जाए, आपको वॉल्यूम समझ में आ जाए, तब जाके कहीं पे आप डिटेलिंग्स करते हो तो उस डिटेलिंग्स का मतलब होता है। अगर आप एक केक बना रहे हो, ऊपर में क्रीम डाल रहे हो, डिज़ाइंस बना रहे हो, हैप्पी बर्थडे राहुल लिख रहे हो, लेकिन नीचे का बेस ही स्ट्रांग नहीं है, मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सही मिठास नहीं है, तो फिर केक तो ख़राब हो गया ना। तो वैसे ही डिटेलिंग्स उस डेकोरेशन की तरह है जो एंड में आती है, लेकिन शुरू में बेस अगर नहीं है सही तो उस उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए कम्प्लीटली फिगर स्टडी में हम यहाँ पर फोकस करते हैं प्रोपोर्शंस का, एंगल्स का, ठीक है, ड्राइंग पार्ट्स का, तब जाके कहीं ना कहीं हम बाद में एनाटॉमी की प्रैक्टिस, डीप एनाटॉमी, डिटेलिंग्स वगैरह सीखते हैं। तब तक कोई फ़ायदा नहीं है डीप एनाटॉमी सीखने का, या फिर डीप बोन की स्टडी को सीखने का, या फिर डीपली डिटेलिंग्स को समझने का। मेन चीज़ है कि आप जो देख रहे हो, आपको जो दिख रहा है, आप वो ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ मेरा मकसद इस रियल टाइम लेसन में ये है कि आप अगर मेरे साथ साथ अभी ड्रॉ कर रहे हो, पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सो दैट मैं भी जान पाऊँ कि इस लेसन को सिर्फ आप देख रहे हो कि एक्चुअल में अपनी पेंसिल उठा के मेरी बात मान रहे हो और काम कर रहे हो। और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर शेयर करना जो मैंने हैशटैग दिया शुरू में, ताकि मैं ये देख सकूँ कि कितने लोग काम एक्चुअल में कर रहे हैं। सिंपल, पहले मैंने सिंपल लाइंस में हाथों को अपनी अपनी जगह में पहुंचा दिया, उसके बाद अभी आप देख सकते हो कि मैं ट्राइपॉड ग्रिप में पेंसिल को, जैसे हम नॉर्मली पकड़ते हैं पेंसिल को, वैसे पकड़ा हूं और छोटी छोटी चीज़ों को ऐड कर रहा हूं। अगला सवाल आपके लिए जो आप कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना वो कि ट्राइपॉड ग्रिप में और ओवरहैंड ग्रिप में क्या फ़र्क है, और इस वीडियो में कौन से जगह पर मैंने ओवरहैंड ग्रिप का इस्तेमाल किया। आप इस वीडियो में आप टाइम देख रहे हो, टाइम सेकंड्स में आप कमेंट लिख सकते हो कि इस टाइम में, इस सेकंड के अंदर मैंने पेंसिल को ओवरहैंड ग्रिप स्टाइल में पकड़ा है। अब ट्राइपॉड ग्रिप, ओवरहैंड ग्रिप क्या है, ये मैंने कुछ लेसन्स, कुछ वीडियो, कुछ यूट्यूब में कुछ टाइम पहले डाला था, ओवरहैंड ग्रिप, ट्राइपॉड ग्रिप, इसके ऊपर एक लेसन डाला था, आप खोजोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मुझे देखना है कि आप लोग कितना लेसन्स को देख रहे हो और कितनी बातें याद रख पा रहे हो। ओके, तो ये आपके लिए दूसरा सवाल था। अब ऊपर ऊपर से चीज़ें बन गई है, तो मैं अंदर की कुछ चीज़ों को हल्का फुल्का ऐड कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि ये बॉडी का जो बनावट है वो हमने सही तरीके से ड्रॉ किया है कि नहीं किया है। जब हम चीज़ों को समझते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैं एंगल्स को समझ रहा हूँ, एंगल्स को स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर चीज़ें एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं होती हैं ना, तब भी सही हो जाती हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को समझ रहे होते हैं। कई बार हम कॉपी करने के चक्कर में कई बार मिस्टेक कर देते हैं और कॉपी सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। एक्चुअल में कॉपी करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बोलते तो हैं हमने कॉपी किया, लेकिन एक्चुअल में वो सही कॉपी नहीं हो पाती, क्योंकि हमने बेसिक तौर पर ड्राइंग को स्टडी नहीं किया होता ठीक से। तो इसलिए
बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझते हुए, एंगल्स को समझते हुए ड्राइंग की स्टडी बहुत बार करो, ये स्केचेस बहुत बार करो। अलग अलग टाइम के स्केचेस होते हैं। अभी आप जो स्केच कर रहे हो, अगर ये मेरे साथ साथ कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि हमें ज़्यादा देर नहीं हुआ स्केच करते हुए, करीब 7-8 मिनट हुए होंगे, मैं अभी टाइम नहीं देख रहा हूँ। बट ये जो स्केच कर रहा हूँ, जिस टाइप का मैं स्केच कर रहा हूँ, इसे 10 से 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट इसके अंदर ये सारे ड्राइंग्स की जाती हैं। ओके, एक फास्ट स्केचिंग होती है लाइक 2 मिनट्स 3 मिनट्स, और एक सुपर फास्ट जेस्चर स्टडी भी होती है 30 सेकंड की 1 मिनट की। तो ऐसे अलग अलग टाइम स्लॉट्स के ड्राइंग्स होते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग चैलेंजेस मिलते हैं, और अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग हमें मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास अगर 15 मिनट हैं एक फिगर ड्राइंग को बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली हम आँख नाक मुंह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पोर्ट्रेट में आ रहा है। पोर्ट्रेट की स्टडी कर रहे हो तब बात अलग होती है, हम फिगर स्टडी कर रहे हैं। तो मेन जो चीज़ है, बॉडी का एंगल, बॉडी के प्रोपोर्शंस, बॉडी का रिदम, ये चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस मेन है। टाइम लिमिट के अंदर हमें काम करना है, और टाइम लिमिट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपको बांध देती है, आपको फोर्स कर देती है कि मेन चीज़ के ऊपर फोकस करना। जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, हालांकि हम, मतलब मैं तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने पास्ट में स्कूल के वक्त और स्कूल के बाद दिया था, उसके बाद ही मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया आर्ट के तौर पे। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपको पता है, जब देने जाते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स होती हैं, टाइम लिमिट्स होती हैं, तो स्टूडेंट्स प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो स्ट्रेटजीज बनाते हैं। वैसे आर्ट में भी क्या होता है ना, अलग अलग टाइम स्लॉट्स में जब हम ड्रॉ करते हैं, 30 सेकंड की ड्रॉइंग करते हैं, 30 सेकंड का फिगर स्टडी करते हैं, 1 मिनट का करते हैं या 15 मिनट का करते हैं, तो उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि कौन चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कम ज़रूरी है। तो ज़्यादा ज़रूरी वाली चीज़ को हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर ड्राइंग में मेन चीज़ क्या था कि प्रोपोर्शन सही आए, हाथ पैर सही जगह पे आए, और बॉडी जो पोजीशन में है, जिस रेफरेंस इमेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पोजीशन में ये पूरी बॉडी नज़र में आए सही तरीके से। तो ये हमारा मेन फोकस था। अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि इसकी वॉल्यूम, ओके, ये राउंडनेस है इस पैर में, तो यहाँ पे मैं हल्का सा वो चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ओवरऑल समझने के लिए कि चीज़ें सही जगह पे हैं कि नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अभी मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो और आपने इस तरीके की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं की हैं, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा अभी मेरे साथ ड्रॉ करने में। आप बार बार मिटा रहे होगे, आप देख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा मिटा नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिटाना नहीं है, मिटा सकते हो ऑब्वियसली, शुरू में तो बहुत गलती होती है तो मिटाने का मन भी करेगा, और पेन स्केचिंग भी हम इसलिए करते हैं कि मिटाना ना पड़े, गलती हो तो हम दोबारा बना लें। तो अलग अलग तरीके हैं हर चीज़ के, और मैं जानता हूँ कि अभी आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे होगे क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बना रहा हूँ। ओके, इस तरीके से मैं चेक भी कर सकता हूँ, यहाँ से ये इतना बड़ा है और उसी के कंपैरिजन में पैर यहाँ तक आ रहे हैं। तो ऐसे हम एक दूसरे से, बॉडी के एक दूसरे पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और अनकंफर्टेबल अगर आपको फील हो रहा है ना, तो एक तो मुझे कॉमेंट सेक्शन बताना, प्लस इसका कारण ये होता है क्योंकि हमने अभी तक इस तरीके से चीज़ें करनी शुरू नहीं की हैं। इससे क्लियरली समझ में आता है कि आप जितना अनकंफर्टेबल फील होते हो ना किसी ड्राइंग को करने में, उतना ही आप कम आपने उस तरीके की चीज़ों को प्रैक्टिस करी है। और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टेक्निक्स की स्टडी कराई जाती है, टेक्निकल चीज़ों की स्टडी कराई जाती है, ट्रेडिशनल वे में चीज़ें सिखाई जाती है, और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल्ड ट्रेनिंग भी बनाई है जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें जो मास्टर क्लासेस में, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स में एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, उसके ऊपर मैंने कम्प्लीटली डिटेल ट्रेनिंग बनाई है, और इसके बारे में आपको इस लेसन के एंड में बताऊँगा। अभी फोकस करो कि मैं किस तरीके से चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। मैंने शुरू में तो बाल को एकदम लाइटली बनाया और बस बना के छोड़ दिया। अब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें और थोड़ी ऐड कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ा कहीं पे डार्क करना है या फिर कहीं पे और थोड़ी चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि शुरू में लाइट रखना ज़रूरी है ताकि आप एक बार कन्फर्म हो जाओ कि चीज़ें सब अपनी अपनी जगह पर हैं कि नहीं है। ओके, उसके बाद आप थोड़ी सी डार्कनेस ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा और हल्का सा डिटेल ऐड कर सकते हो, लेकिन शुरू से नहीं करना है उन सब चीज़ों को। अब यहाँ पे पीछे में पैर है तो थोड़ा सा एड़ी नज़र आ रहा है, इस चीज़ को हम सिंपल वे में यहाँ पे देख के स्टडी कर रहे हैं। ओके,
एंड डोंट वरी, अगर आप बिल्कुल भी फील कर रहे हो ना कि थोड़ा हड़बड़ी हो रहा है या फिर मिटाने का मन कर रहा है या फिर आपका लेट हो रहा है, ये टाइम के साथ होगा। जितना आप सीखते जाओगे उतना ये आपका स्पीड और आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी, लेकिन करना ज़रूरी है। जितना करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपने इसको स्टडी किया कि नहीं किया, और किया तो प्राउडली राइट इन द कॉमेंट्स आई डिड इट। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो काइंडली 10 सेकंड का समय निकाल के लेसन को शेयर जरूर करना। थोड़ा सा चिड़चिड़ा लगता है शेयर करना, मुझे पता है, इसलिए बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं कहीं भी चीज़ों को, लेकिन आपके 5 सेकंड 10 सेकंड को निकाल लेने से बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है, और ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। सो शेयर करना ज़रूर, और लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, जितने भी मैंने सवाल पूछे उनका आंसर ज़रूर देना। ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, लोगों तक वीडियो पहुंचती है, और अल्टीमेटली किसी न किसी आर्ट लवर तक ये लेसन पहुंच पाते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ये भी बताया था, एक ट्रेनिंग का जिक्र भी किया था, तो इस ट्रेनिंग से रिलेटेड भी अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा कि हाउ टू ज्वाइन ड्राइंग मास्टरी, ड्राइंग मास्टरी के अंदर क्या है, फेसबुक कम्युनिटी का जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग का, जहां पे लोग अपने डाउट्स पूछा करते हैं, फीडबैक्स लेते हैं, नेटवर्किंग करते हैं दूसरे आर्टिस्टों से, उसकी जो वीडियो है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन ड्राइंग मास्टरी से रिलेटेड वेबसाइट की लिंक, यूनिवर्सिटी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ये कंप्लीट एक डिटेल्ड ट्रेनिंग है, ये मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कम प्राइस में इंडिया में एक ऐसी ट्रेनिंग पहुंचा सकें गांव-गांव तक, जहां पे आर्ट के प्रति जो डीप नॉलेज है, ओके, मेनली ड्राइंग, आर्ट के प्रिंसिपल्स, जो एक्चुअल लर्निंग है, जो एक्चुअल बेस है जहां से आर्ट की शुरुआत होती है ग्रोथ की। नो डाउट हम इतनी सारी चीजें देखते हैं दुनिया में, कलर और डिटेलिंग्स और अलग अलग मीडियम यूज किए जा रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स आर्ट के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बेस है ड्राइंग ही है, जो कि हमारे मास्टर्स, जो ओल्ड मास्टर कह के गए हैं। और इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि ये नॉलेज जो भी मैंने अपने गुरु से सीखी है मैं उसको शेयर कर सकूं, और इसलिए मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल्ड ट्रेनिंग बनाई है शुरू से लेकर एडवांस तक, स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आप किसी भी स्टेज पे हो आप इसको सीख सकते हैं। इनफैक्ट इस ट्रेनिंग के अंदर जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, जितने भी आर्ट के टीचर्स हैं, बहुत सारे आर्ट के जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, अलग अलग तरीके के लोग इस ट्रेनिंग के अंदर हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इसका एक माहौल बना चुकी है। इनफैक्ट डॉक्टर्स, सोल्जर्स, इंजीनियर्स, जो आर्ट के लवर्स हैं, इस ट्रेनिंग का पार्ट हैं, इस ट्रेनिंग में एज ए स्टूडेंट सीख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कि लोग अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, इस ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हैं और अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, डीपली चीज़ों को सीख रहे हैं, और उनका अपना फीडबैक भी मुझे देते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग लगता है। इस ट्रेनिंग के बारे में वो बताते हैं कि उनको कितना हेल्प कर रही है, जो कि सुन के मुझे बहुत सुकून देता है, मुझे फील होता है कि चलो मैं कुछ कर रहा हूं आर्ट के वर्ल्ड के तरफ। ओके, तो मेरी कोशिश है कि जो भी ट्रेनिंग का पार्ट है वो इतना बड़े बन जाए, इतना ग्रो कर जाए, अपना बेस को इतना स्ट्रांग कर लें कि कल की डेट में वो खुद के लेवल पे खुद की कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और आर्ट की दुनिया में कंट्रीब्यूट करें। सो इस ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, क्या डिटेल्स हैं, सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने, और आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं ड्राइंग मास्टरी के रिव्यूज, ड्राइंग मास्टरी के डिटेल्स वगैरह अगर आपको गूगल करने हैं, और मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में भी मैंने शेयर किया है स्टूडेंट्स के काम और स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह, तो सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस लेसन के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लेसन कैसा लगा, एंड अगर आप ऐसा लेसन और भी चाहते हो, न्यूड स्टडी के ऊपर भी आप लेसन चाहते हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं अगले लेसन में, एंड मेक श्योर कि आप अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें। पैशन को फॉलो करते रहोगे तो एक खुशी बरकरार रहती है ज़िंदगी में, और खुशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कीप लर्निंग, कीप इन्जॉइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।